सो दोस्तों ASJ एप्पल 7 के 1BHK के फ्लैट की तरफ हम आ गए हैं। ये 1BHK का जो फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे 2BHK के 6 फ्लैट और 1BHK का एक फ्लैट आपको मिलेगा, और इसी के जैसी जो इन्वेंट्री इनका बी टावर है उसमें 3BHK के 5 फ्लैट और एक मिलेगा 1BHK। सो सैंपल फ्लैट मेरा ये ऑलरेडी वैसे सोल्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं आयरन गेट इसमें लग गया है, लेकिन एज अ सैंपल व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्लैट। सो बिना देरी के एंट्री करते हैं अपने गेट से अंदर की तरफ। सो गाइस, जैसे मैंने अपने फ्लैट के गेट से एंट्री करी तो एंट्री गेट इसका भी 3 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबाई आपको मिलेगी। इसका जो लेआउट है एंट्री करने के राइट साइड में आपको मिल जाता है आपका लिविंग एरिया, किचन एरिया, और आपका एक मिल जाता है लेफ्ट साइड में सुंदर सा लॉबी जो आपके गेट के पीछे आएगा, और कॉमन वॉशरूम के साथ में बेडरूम आपको यहीं पे ही मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इस फ्लैट का दिखाता हूँ किचन। ये 1BHK का फ्लैट होने के बावजूद भी एक अच्छे साइज का किचन करीबन 4 फीट चौड़ा और 6 फीट की लंबाई आपको इस किचन की मिल जाएगी, जिसमें आप देखिए आपको शेल्फ एरिया एक अच्छा खासा मिल रहा है, चिमनी का स्पेस भी यहाँ पे है, प्लस कबर्ड्स यहाँ पे है, आपका ये डिश वॉश का स्पेस भी यहाँ पे है, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको प्रॉपर कबर्ड्स बना के दिए हैं जिसमें आप रख सकते हैं अपना किचन का सारा सामान। 2 दिए हैं ड्रॉर, 2 दिए हैं शेल्फ, और साथ ही साथ ऊपर भी क्रॉकरी रखने के लिए सफिशियंट स्पेस है, लाइट है और स्विच बोर्ड्स भी लगे हैं, प्लस आरओ का और गीजर कनेक्शन के लिए सेपरेट स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है जिससे आप अपना सामान रख सकते हैं आराम से। लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो लिविंग एरिया के अंदर भी आपको एक छोटा कबर्ड यहां पे दे रहे हैं लगा के, ताकि कुछ सामान आप अपना यहां पे भी रख सके। साथ में दी है अटैच्ड बालकनी, करीबन 10x11 का कंप्लीट आपका लिविंग एरिया ये होने वाला है। इसमें सुंदर सी UPVC की आपको दी है लगा करके गेट साउंड प्रूफ ग्लास के साथ, और एक सुंदर सी बालकनी का स्पेस यहाँ पे मिल जाता है जिससे सामने का नजारा कुछ ऐसा है। इस तरीके का टावर कोई भी आपके बालकनी से नियरेस्ट नहीं होगा जिससे आपका व्यू कहीं भी ब्लॉक हो जाए। सो आप यहाँ पे अपना इवनिंग का टाइम, जैसा भी इवनिंग का टाइम है, एक सुंदर सा माहौल है और आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं अपना इवनिंग टी, और या फिर रात के नज़ारे भी सुंदर ही होंगे यहाँ पे। सिंगल वॉल हाईलाइट यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं, गोल्डन टेक्सचर पेंट यहाँ पे इन्होंने करा है, आप चाहें तो वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। और अगर ऊपर बात करें हम इसकी सीलिंग की तो यहाँ पे एक सिंपल सी सीलिंग आपको लगा के दी है जिसमें फैंस और लाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल। सो मूव करते हैं अपने बेडरूम की तरफ और वॉशरूम की तरफ। तो एक सुंदर सा लॉबी एरिया है जिसमें आप डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं वॉल के ऊपर, कुछ चाहे तो किनारे पे आप छोटे गमले भी लगा सकते हैं जो अंदर आजकल घर के इंडोर चल रहे हैं। वॉल एरिया बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, और वॉशरूम का साइज 5x8 का करीबन आपको मिल जाता है। वॉशरूम का साइज एक अच्छा खासा बड़े साइज का वॉशरूम है, जहाँ पे कॉमन और अटैच तो नहीं है बट कॉमन वॉशरूम ही एक बनाया गया है। इसके बाद अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूँ ना तो करीबन 9x11 का बेडरूम का साइज है, जिसमें आपको मिल जाती है एक बढ़िया सी विंडो जहां से एयर वेंटिलेशन आपको पूरा मिलेगा और लाइट का प्रोविजन भी कंप्लीट है। साथ में आपको दे रहे हैं यहां पे अलमीरा बना करके बड़े साइज की, ताकि आप पूरा का पूरा सामान अपना रख सकें, और ऊपर भी आपको बैग रखने के लिए एक स्पेस अलग से दिया गया है। तो अलमीरा के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेड लगा के दिया है। बेसिकली ये जो फ्लैट है ये PG के पर्पज से ये लोग आगे देने वाले हैं, कुछ ऐसा इनका प्लान है। तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अगर डबल बेड हम लगा देते हैं तो आपको दोनों तरफ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, इस तरफ भी स्पेस है और उसके उस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाएगा। स्विच बोर्ड, लाइट्स और फैंस ये आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेमी फर्निश्ड फ्लैट। सो गाइस, कैसा लगा ये 1BHK का फ्लैट? अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो देख रहे हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर 1BHK, जैसा कि आजकल माहौल भी चल रहा है
कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आजकल लोग अपने लिए एक नया नए फ्लैट्स लेते हैं, तो वर्क पर्पज से भी चाहे तो 1 BHK ले सकते हैं, एक आउटिंग के पर्पज से ले सकते हैं, क्योंकि नजारा जो मिलने वाला है नेचुरल हवा और नेचुरल लाइट का प्रोविजन के साथ। अगर पसंद आई वीडियो तो जैसा मैंने आपको कहा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जो इस तरीके की प्रॉपर्टी देख रहे हैं एक अच्छे दाम के अंदर, और मेरा चैनल जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। SR होम्स पे आपको ऐसी कमाल की प्रॉपर्टीज और वीडियोस मिलती रहती हैं। सो हमारा उत्साह बढ़ाएं और वीडियो को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मिलता हूं अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।